नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम इतिहास और इतिहास में चल रहे थे हमारे प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत, जिसमें साहित्यिक स्रोतों की बारी चल रही थी। साहित्यिक स्रोत के अंदर ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ हो गए थे हमारे। ब्राह्मणेतर ग्रंथ में बौद्ध धर्म हो गए हैं, आज बारी है जैन धर्म की, यानी कि जैन साहित्य पढ़ेंगे आज हम। ऐसे ही महावीर स्वामी के निधन के बाद जैन साहित्यों की रचना हुई, जैन साहित्यों का संकलन हुआ। तो जैसे हिंदू धर्म में जो वेदों का स्थान है, जैसे बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का स्थान है, ऐसी जैन धर्म में भी आगम का स्थान है। तो सबसे प्रमुख जैन साहित्य है आगम। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत इसमें 12 अंग होते हैं, इसमें 12 उपांग होते हैं, दस पैना होते हैं, ये आगम के अंतर्गत ही है। 6 सूत्र होते हैं और 4 मूल सूत्र होते हैं। लगभग इन्हें हम जोड़ लें तो इतने ही आगमों की संख्या मानी जाती है, लगभग 44-45 के आसपास। 6 सूत्र जो जैन साधु हुआ करते थे, उनके आहार विहार, ठीक है, उनका उल्लेख किया गया है। और इसमें आहार विहार के बाद प्रायश्चित का जो कैसे प्रायश्चित होगा वो है 6 सूत्र में, ठीक है। इनके अलावा अन्य जो जैन साहित्य है प्रमुख है वो है परिशिष्ट वर्मन। परिशिष्ट पर्वन, जिसे हम परिशिष्ट पर्व भी कह सकते हैं, इसकी रचना की गई थी जैन लेखक है हेमचंद्र सूरी, ठीक है। प्रश्न आता है कि परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने की, तो उत्तर है आपका हेमचंद्र सूर्य ने, जो जैन साधु हैं, जैन लेखक रहे और कब के रहे हैं, ये लगभग 12वीं शताब्दी के रहे, ठीक है। इसके अलावा भद्रबाहु चरित, इसके अलावा कल्पसूत्र, इन दोनों की रचना की थी भद्रबाहु ने। रचयिता कौन है? भद्रबाहु। और भद्रबाहु है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं भद्रबाहु। तो कौन से हैं? दिगंबर साधु हैं। प्रश्न आता है कि भद्रबाहु कौन सी शाखा के हैं, श्वेतांबर के हैं या दिगंबर के? जैसे बौद्ध धर्म में हीनयान महायान दो शाखाओं बट जाता है, हालांकि तीसरी शाखा बाद में आती है वज्रयान, लेकिन मुख्य रूप से हीनयान और महायान माने जाते हैं बौद्ध शाखा में। ऐसे ही जैन धर्म में जैन धर्म भी दो भागों में बट जाता है, दो शाखाओं में बट जाता है। इसमें एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर वो है जिन्होंने जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, उन्हें हम श्वेतांबर कहते हैं। इनके अलावा
जो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते यानी कि नग्नावस्था में रहते हैं उन्हें हम दिगंबर साधु या दिगंबर जैन के नाम से जानते हैं। और वो कौन है? भद्रबाहु, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु रहे। इनके ही साथ चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में है, और वहां इन्होंने उपवास के दौरान अपनी यह लीला समाप्त कर ली, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं हम आत्महत्या कर ली। तो ये कौन से साधु हैं? ये दिगंबर शाखा के, ठीक है। जब कल्प सूत्र है तो इन सारी पुस्तकों में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और समकालीन राजाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है। परिशिष्ट पर्वण, भद्रबाहु चरित, कल्प सूत्र, इन तीनों पुस्तकों में चंद्रगुप्त मौर्य और उनके समकालीन राजाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो एक किताब हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई आगम के अलावा। और ये कल्पसूत्र कब का लिखे गए हैं? ये लिखे हैं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। इनके अलावा और साहित्य है आचारांग सूत्र, जिनमें जैन साधुओं के आचार विचार के बारे में कुछ नियम दिए गए हैं। हम कह सकते हैं इसमें आचार विचार संबंधी नियम किसके? जैन भिक्षुओं के, ठीक है। अगला है आवश्यक सूत्र, ठीक है। आवश्यक सूत्र में भी जैन उसमें मौर्य काल के आसपास की घटनाओं का जिक्र किया गया है। इनके अलावा एक मुख्य पुस्तक मानी जाती है, वो है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, हमारी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सबसे पहले जो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख किया गया है वो उल्लेख किया गया है एक तो भगवती सूत्र में किया गया है, और दूसरा बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय उसमें किया गया है। तो प्रश्न अगर आता है कि 16 महाजनपद यानी 16 महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें किया गया है, तो वह है भगवती सूत्र जो कि जैन साहित्य है, दूसरा अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध साहित्य है। इन दोनों में 16 महाजनपद यानी कि 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। इनके अलावा भी 16 महाजनपद का उल्लेख जो हुआ है वो हुआ है पुराणों में, ठीक है। लेकिन पुराणों में कुछ घटनाएं काल्पनिक मानी जाती है, जैसे हर्यक वंश को पुराणों में हर्यक वंश को बाद में बताया गया है और शुष्नाग वंश को पहले बताया गया है, जबकि हकीकत में हर्यक वंश पहले है और शुष्नाग वंश बाद में है। कारण क्या है इसका? इसका तथ्य यह है क्योंकि पहली जो बौद्ध संगीति होती है वो हर्यक वंश के राजा अजात शत्रु के शासन में होती है, तो इसलिए उनको उस शासन को पहले माना जाता है। और जो दूसरी बौद्ध संगीति होती है वो कालाशोक के बाद में होती है, शुष्नाग वंश का जो राजा है कालाशोक वो दूसरी होती है, कहां होती है? वैशाली में। इसलिए शुष्नाग वंश बाद का माना जाता है और हर्यक वंश पहले का माना जाता है। यही कारण है कि भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय को एक प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है इतिहास में, ठीक है। तो मुख्य रूप से कौन कौन से हमारे आगम है? जो महावीर स्वामी के निधन के बाद में इनका संकलन किया गया है, परिशिष्ट पर्वण है,
जिसके रचयिता हेमचंद्र सूरी है, जो कि 12वीं सदी का माना जाता है। भद्रबाहु चरित है, कल्पसूत्र है, जिसके रचयिता भद्रबाहु है, जो कि जैन धर्म की दिगंबर शाखा के एक साधु रहे, एक भिक्षु हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं। इसके अलावा आचार्यांग सूत्र है, आवश्यक सूत्र है, और प्रमुख रूप से भगवती सूत्र है, जिसमें 16 महाजन पद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो ये सारे ग्रंथ, सारा जो साहित्य है वो लिखा गया है, भाषा कौन सी है इसकी? भाषा है संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। जो जैन साहित्य लिखा गया है वो लिखा गया है संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में और अपभ्रंश भाषा में। अपभ्रंश भाषा होती है कि किसी भाषा को हम तोड़कर, यानी कि उसका डेप्रिसिएशन कर, उसको घिसकर उसके शब्दों में या उसके वाक्यों में, उनके उच्चारण में कुछ अंतर आ जाए तो उसे कहते हैं अपभ्रंश। तो पूरा जैन साहित्य तीनों भाषा में लिखा गया है, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में। इसके अलावा उस संस्कृत में पुराण भी लिखे गए हैं, जिनमें आदि पुराण, हरिवंश पुराण और पद्म पुराण। ये तीनों पुराण भी जैन साहित्य का एक अंग माने जाते हैं। तो ये हमारा जैन साहित्य। तो हमारे ब्राह्मण साहित्य हो गए, धार्मिक साहित्य के अंदर ब्राह्मण साहित्य हमारे हो गए, बौद्ध साहित्य हो गए, और आज हो गए जैन साहित्य। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, आगे पढ़ेंगे हम लौकिक साहित्य। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।